Hello everyone, I am Dr. Neeraj Singh, going to discussing about the important topic physiological disorders of tomato. Physiological disorders is also a like disease which is caused by the environmental factors like heat stress, water stress, low light or high light intensity. जिसको कि हम कह सकते हैं कि दैहिक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हिंदी में दैहिक विकार कहते हैं। दैहिक विकार एक प्रकार का रोग होता है जो कि पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है, किसी भी पर्यावरणीय कारकों की कमी या अधिकता के कारण, जैसे कि तापमान की कमी हो गई या अधिकता हो गया, पानी की कमी हो गई या अधिकता हो गया, प्रकाश की कमी हो गई या अधिकता हो गया, या तत्वों की कमी हो गई या अधिकता हो गया। तो इनके कारण जो भी पौधों में स्ट्रेस आता है, तो ऐसे स्ट्रेस को हम तनाव को क्या बोल देते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या दैहिक विकार बोल देते हैं। आज हम टमाटर के दैहिक विकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला फर्स्ट वन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो इज बोलोसा मेंड्रोट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, मॉइस्चर स्ट्रेस एंड हीट स्ट्रेस आल्सो, एंड इट्स सिम्टम इज ब्राउन वाटर सॉक्ड। इट्स सिम्टम इज ब्राउन वाटर सॉक्ड discoloration appears at the blossom end of the fruit where senescent petals are attached while the fruit is still green. कहने का मतलब है कि ब्राउन वाटरी सॉग्ड अपीयरेंस होगा जब फल हरा ही रहता है और पौधे से लगा हुआ होता है, तो जहां पर फल में जो फ्लावर एंड होता है, ब्लॉसम एंड होता है, जो लास्ट वाला, वहां से ये रॉटिंग शुरू होती है और बाद में चलकर एकदम डार्क अपीयरेंस देता है, लीदरी अपीयरेंस दे देता है, टच करने पे सनकेन जैसा फील होगा, टाइटनेस मतलब महसूस होगा और उसका मार्केट डिमांड बहुत कम हो जाता है फल का। अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? सब बहुत अच्छा है कि कैल्शियम क्लोराइड का आप स्प्रे कराइए 0.5% फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पे। लाइट और फ्रिक्वेंट इरीगेशन शुड बी गिवन। हमेशा ध्यान रखो कि जितने भी सब्जियों में जब भी पानी दिया जाता है, हमेशा लाइट एंड फ्रिक्वेंट सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि लाइट एंड फ्रिक्वेंट इरिगेशन करने पे मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन नहीं होगी। अगर आप बहुत ज्यादा पानी दे दो, सोचो कि बार बार ना दें, वहां पर फ्लडिंग कंडीशन क्रिएट होगी और डिजीज इंसिडेंस का ज्यादा चांस होगा, इसलिए लाइट एंड फ्रिक्वेंट इरिगेशन ही करना चाहिए हमेशा। नाइट्रोजन का रिकमेंडेड डोज जो होता है अप्लाई करना चाहिए, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन या बहुत कम नाइट्रोजन अप्लाई करोगे तब भी स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होगी, और बहुत ज्यादा नाइट्रोजन अप्लाई करने पे विभिन्न माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण भी ये ब्लॉसम एंड रॉट होता है। और बहुत ज्यादा नाइट्रोजन अप्लाई करने पे पौधे में सकुलेंसी बढ़ती है, सकुलेंसी बढ़ेगी तो डिजीज और इंसेक्ट इंसिडेंस भी ज्यादा होगा, इसलिए नाइट्रोजन डोज हमेशा रिकमेंडेड क्वांटिटी में ही अप्लाई करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर इज फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग बहुत सिंपली इसको पहचान सकते हैं कि इसका जो पेडंकल पार्ट होता है या जिसको सोल्जर पार्ट होता है, वहां से वर्टिकल क्रैकिंग होती है, एक सोल्जर पेरिफेरल सोल्जर क्रैकिंग होती है। तो जो वर्टिकल क्रैकिंग होती है, आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल क्रैकिंग है, आप देखिए यहाँ पर जो वर्टिकल क्रैकिंग है उसको बोलते हैं रेडियल क्रैकिंग। सबसे खतरनाक क्रैकिंग होती है, एक क्रैकिंग आने पर बहुत ज्यादा 50-60% इकोनॉमिक लॉस हो जाता है किसानों का। ये वर्टिकल क्रैकिंग हुई तो रेडियल क्रैकिंग होगा, और सोल्जर पेरिफेरल क्रैकिंग हुआ तो कंसेंट्रिक क्रैकिंग हुआ, और जनरली होता है किसके कारण है, बोरान डिफिशियंसी इन द सॉइल, इसके कारण एक क्रैकिंग होती है। ये कोई भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और दूसरा क्या हो सकता है क्रैकिंग होने का क्या कारण, पहला तो बोरान डिफिशियंसी इन द सॉइल, दूसरा क्या हो सकता है कि कैल्शियम पेक्टेट की कमी जब हो जाती है फलों में, तो उसके कारण भी क्रैकिंग आ जाता है। तीसरा कारण क्या है, मॉइस्चर स्ट्रेस या वाटर स्ट्रेस। क्या होता है कि आप सडनली कई बार पानी दिए, सूखा पड़ गया, उसके बाद देखा है कि आपने पानी दे दिया, जब आप देखा है पानी देते हैं तो क्या होता है कि इंटरनल टिश्यू जो होता है फल के अंदर का, उसका ग्रोथ बहुत तेज हो जाता है, जबकि जो बाहरी वाल है, जो बाहरी भित्ति का विकास होता है, बाहरी
टिश्यूज का जो विकास होता है वो स्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहरी वाल फट जाता है। तो बाहरी वाल की जो संरचना होती है वहां पर कैल्शियम पेक्टेट की कमी हो जाती है। मेन कारण है इंटरनल टिश्यू का ज्यादा ग्रोथ हो जाना, आउटर टिश्यू का कम ग्रोथ होना। तो इंटरनल टिश्यू का जब ज्यादा ग्रोथ हो जाता है तो आउटर टिश्यू ऑटोमेटिक अपने आप फट जाती है। तो ये भी एक मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण भी क्रैकिंग होती है। तो क्रैकिंग का दो मेन कारण है, पहला बोरान डिफिशियंसी, फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो इज ड्यू टू द बोरान डिफिशियंसी एंड मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन। कंट्रोल कैसे करेंगे, आपको सॉइल मॉइस्चर ऑप्ट मेंटेन करना है और बोरेक्स का एप्लीकेशन 0.3 to 0.4%, और आपको रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करनी है लाइक सियोक्स, पंजाब छुहारा, पूसा रूबी, रोमा, पंत टीवन, अर्का सौरभ, इवन ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी लाइक अर्का मेघाली, अर्का विकास, और फ्रूट को राइप होने से पहले ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। थर्ड वन इज द पफिनेस। पफिनेस में क्या होता है कि टमाटर वो नॉर्मल ग्रोथ से 2/3 ही ग्रोथ कर पाता है और उसके बाद भी अंदर से वो खोखला रहता है, बहुत हल्का टमाटर दिखेगा तो ये तो इतना बड़ा, लेकिन तब आप उसे उठाओगे बहुत हल्का फील होगा। तो उसमें क्या होता है कि लाइट इन वेट हो जाता है, लैक ऑफ फर्मनेस होता है और पार्सली फील्ड होता है उसमें, मतलब जो आपके सीड्स और गूदा होगा वो गूदा नहीं पाया जाता है। दिस डिसऑर्डर इज वेरी कॉमन इन द विंटर सीजन। कलर कारण क्या है, मेन कारण इसका लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन होता है। अगर पॉलिनेशन हो भी जाता है तो एम्ब्रियो नहीं डेवलप हो पाता है। तो अब इसे हम मेंटेन कैसे करेंगे, अवॉइड ओवर वाटरिंग ऑफ द क्रॉप, ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी, अप्लाई रिकमेंडेड डोज ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक, तो इसके हम इसको फिर मैनेज कर सकते हैं। कैट फेस इज ऑल्सो ए मेजर डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो, वेयर टोमेटो फ्रूट इज फॉर्म ए डिफरेंट शेप्स, अनकमर जो कि जिसका कमर्शियल डिमांड बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें इसको पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी सिम्टम होता है डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्लॉसम एंड, तो जो उसका लास्ट का पार्ट होता है वहां पर किसी ना किसी जो स्टेम जो ब्लॉसम एंड पार्ट होता है वो किसी न किसी भाग में डेवलप हो जाता है। मतलब जो टमाटर गोल होता है वो पता चलता है पता नहीं कितने कितने प्रकार का वो डेवलप हो चुका है। तो डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्लॉसम एंड इज द मेजर मेन डिफिशियंसी सिम्टम, मेन सिम्टम ऑफ द कैट फेस। काज अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा तापमान का बढ़ जाना, बहुत कम तापमान हो जाना, लाइट की कमी आ जाता, इन सभी के कारण क्या हो जाता है कैट फेस डेवलप हो जाता है। तो इसका सिंपल सा मेजर है, कंट्रोल कैसे करेंगे, कल्टीवेट टोमेटो इन नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन। पांचवा अनफ्रूटफुलनेस, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द ऑल वेजिटेबल्स ऑल फ्रूट्स। अनफ्रूटफुलनेस जब भी किसी से भी मिलोगे हर कोई यही बोलता है कि यार देखो हमारे फील्ड में फ्लावर तो आ रहा है फ्रूटिंग नहीं हो रही, पौधे की बढ़वार तो बहुत अच्छी है लेकिन उसमें फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब ये कारण होता है लगभग सभी में। आपसे ये पूछेंगे गर्मियों के दिनों में कुकुरबिटेसिया संबंधी पूछ लेंगे, सोलेनेसियस से पूछ लेंगे कि हमारे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ लेकिन उसमें फ्रूटिंग ही नहीं है, फ्रूटिंग आया तो फ्रूट ही नहीं बनता, फ्रूट बन रहा तो फ्रूट ड्रॉप हो जा रहा। तो अनफ्रूटफुलनेस इज अ मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेजर प्रोडक्शन कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द ऑल वेजिटेबल्स। अनफ्रूटफुलनेस का कारण है कि हाई एंड लो टेम्परेचर इफेक्ट ड्यूरिंग पॉलन वायबिलिटी एंड पॉलन जर्मिनेशन। पोलन में अगर 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो पोलन जर्मिनेट नहीं कर पाता, अगर 14 नाइट टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो पोलन वायबिलिटी खत्म हो जाती है, पोलन वायबिलिटी खत्म होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो फल नहीं बनेगा, सिंपल। और डे टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट टेम्परेचर बिलो 13 डिग्री सेल्सियस एडवर्सली अफेक्ट द फ्रूट सेटिंग ऑफ टोमेटो। फ्रूट सेटिंग के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो तापमान आपका होता है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। 21 to 24 डिग्री सेल्सियस इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द फ्रूट डेवलपमेंट इन टोमेटो एंड ऑल्सो फॉर द कलर डेवलपमेंट। लाइकोपिन भी सबसे अच्छा इसी समय बनता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में एकदम लाल एकदम अच्छे आकार का टमाटर आपको मिलेगा। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे,
मैनेज कैसे करेंगे, हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटीज, हॉट सीड वैरायटीज आपको ग्रो करना है, HS102, पूसा 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 एक हाइब्रिड वन, पूसा हाइब्रिड वन इज आल्सो नोन एज द हॉट सीड वैरायटी, पंजाब छुआरा, पंजाब केसरी, HS102। यूज लो टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी लाइक कोल्ड सेट, पूसा शीतल। स्प्रे द क्रॉप विद पायरा क्लोरोफिनॉक्सीस्टिक एसिड PCPA। PCPA जब भी कोई बोले कि हमारे यहाँ फ्लावरिंग आ रही, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फ्रूट ड्रॉप हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको उनको PCPA रिकमेंड कर देना है या NAA रिकमेंड कर देना है। प्लेनोफिक्स के नाम से ही आते हैं मार्केट में, आप इनको रिकमेंड कर दो 50 PPM एट फुल ब्लूम स्टेज पे, आप इसका स्प्रे करा दो, सारी की सारी जो फ्रूट ड्रॉप हो, फ्लावर ड्रॉप हो रहा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, आपका फ्रूटिंग आ जाएगा। ये डिफरेंट प्रकार के देख सकते हैं आप, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपका टोमेटो, रेडियल क्रैकिंग, रेडियल क्रैकिंग जिसमें होता है सबसे खतरनाक क्रैकिंग, ब्लॉसम एंड्रॉट जो फल के लास्ट लास्ट में जहां पर वो कच्चा, जब टमाटर कच्चा ही रहता है वो फूला होता है, तब तक पेटल्स नहीं झड़े हुए होते हैं, तो उसी को ब्लॉसम एंड बोला जाता है, वहीं से रॉटिंग शुरू होती है ब्लॉसम एंड्रॉट, एंड दिस इज इन द कैल्सियम, कैप्सिकम में भी देख सकते हैं ब्लॉसम एंड। सन स्कैल्ड, जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है टमाटर पे तो सन स्कैल्ड डेवलप हो जाता है, या दिस इज द कैट फेस। ब्लॉची राइपेनिंग इज द राइपेनिंग डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो, दिस इज कॉज्ड बाय द हाई टेम्परेचर कंडीशंस। यहाँ पर क्या होता है कि लाइकोपिन का अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो ब्लॉची राइपेनिंग डेवलप हो जाता है। पफिनेस, पफिनेस मतलब भौकाली इंसान जैसे नहीं होते हैं, खूब भौकाल मारते हैं, हकीकत कुछ और होती है, तो वैसे ही पफिनेस होता है टोमेटो में। दिस इज द कोल्ड इंजरी, कोल्ड इंजरी इज ड्यू टू द लो टेम्परेचर डैमेज, एंड दिस इज द, ये सभी टमाटर की मेन दैहिक विकार है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसमें यही इनका सिम्टम, इनका काज और इनका मैनेजमेंट यही आप लिख देना, आसानी से आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोसोमेंडरोट, ग्लोसोमेंडरोट किसके कारण होता है, बोरान डिफिशियंसी, मॉइस्चर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस। फ्रूट क्रैकिंग, बोरान डिफिशियंसी, मॉइस्चर स्ट्रेस। कैट फेस, डिस्टॉर्शन ऑफ द स्टेम एंड, किसकी कमी से होता है, अनफेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका पूछ सकते हैं, ये बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस वैरायटी, तरकट विकास, सरका मेघालय, पूसा हाइब्रिड वन, पूसा शीतल इज द एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ द टोमेटो फॉर द डिफरेंट रीजन, लाइक अर्का विकास फॉर द ड्रॉट रेजिस्टेंट, ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी, अर्का मेघालय इज द रेनफेड वैरायटी, पूसा हाइब्रिड वन इज द हॉट सीड वैरायटी, एंड पूसा शीतल इज कोल्ड सीड वैरायटी। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।